आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो दोस्तों स्वागत आपका सक्षम योजना की एक और चक्कास वीडियो में। तो दोस्तों आज हम दर्शाने वाले हैं महत्वपूर्ण आंकड़े जो कि दर्शनी देवी ने यहाँ पर कमेंट करके बताया है कि इस डेट को मेरे भी आगे 900 रुपये। तो दोस्तों बहुत खुशी की बात है, धीरे धीरे सबके पैसे आ रहे हैं, आपके पैसे आ जाएंगे, टेंशन मत लियो। 900 रुपये आए हैं, 900 ही आपको लाइक करने हैं, 900 लाइक का टारगेट हमने यहाँ पर रखा है। तो सभी भाई 900 लाइक कर दो फटाफट, एक एक क्लिक जल्दी जल्दी कर दो। नेक्स्ट कमेंट आया है यहाँ पर अमित राजपूत का, बोलते हैं मेरे 900 रुपये आया कर हैं, मैं 800 रुपये कोरोना फंड में देना चाहूँ हूँ, इतने रुपया का केक रूंगा, ये बताइयो भाई कुछ जानकारी। तो बढ़िया बात है यार, कोई जब जो देना चाहता है तो भाई करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों बंदों की हेल्प होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल स्तर पे पहुंच चुका है ऐसे, और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो भाई जो भी जिसको जो जितनी हेल्प कर सकता है किया करे करो, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट कमेंट आया है जयपाल का, राम राम भाई, मंगवा दे सुमित भाई, तंग हो लिए, हाँ 2 रुपये भी कौन ही दो रहा है। तो भाई ये तो बात है ही, क्योंकि सक्षम का फार्म जिसने भरा है वो यारो पैसे की खातिर ही तो भरा है, मतलब भाई भत्ता मिला है वो कुछ से, बिल्कुल बेरोजगार आदमी है यार, उन तो कुछ है कौन, तो भाई रुपये जरूरत सबन होती है। तो टेंशन मत लो जयपाल जी, बहुत जल्द आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, कल का वेट हो कर लो, कल संडे है, उसके बाद आपके पैसे डायरेक्ट अकाउंट में सेंड कर दिए जाएंगे, ऑनलाइन मनी डायरेक्ट टू सेंड योर अकाउंट। ओके नेक्स्ट कमेंट आया है नीरू का, बोलती हैं सर मुझे 1 साल हो गया है डिबार्ड हुए पर अभी तक अपील पेंडिंग है, क्या करूं? रुको जी, क्या मतलब है डिबार्ड होने के बाद अपील पेंडिंग कौन सी होती है, ना कोई काम मिला है, प्लीज़ ना हेल्प कर दो। देखो डिबार्ड होने के बाद ना तो काम मिलता ना भत्ता मिलता, चाहे आप एक लाइन वो लिख देते यहाँ पर, ना ही भत्ता मिल रहा है ना कुछ वो मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिलता। तो भाई जब तक आप डिबार्ड का टाइम होता है 1 साल के लिए, 1 साल के 1 साल के बाद क्या होता है, आपको इस स्कीम में वापस अपने आप आ जाएगा, मतलब जो भी बंदा है वो सस्पेंड होता है, जब तक दोबारा काम का मैसेज नहीं आता तब तक बंदा सस्पेंड रहता है। तो जैसे ही आपके पास दोबारा काम का मैसेज आता है सस्पेंड वाला, तो मतलब वापस ठीक हो जाता है, और जो डिबार्ड होता है वो उसका 1 साल का टाइम पीरियड होता है, 1 साल के पहले कुछ भी नहीं हो सकता। वो अगर आपका 1 साल हो चुका है पूरा कंप्लीट, आप डेट देख लीजिए, तो आप स्कीम में वापस अपने आप आ जाओगे। अपील किस चीज़ से बोल रहे हो, मैं समझा नहीं, अपील तो डिबार्ड होने के बाद अपील को लगती ही नहीं, अपील तो पहले लगती है कि कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी हो गई या कुछ और हो गया तो अपील तब लगाई जाती है, या फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, डिबार्ड के केस में अपील नहीं लगती। ठीक है, तो आप अपनी चेक कर लीजिए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रखा हो, उस केस में अपील लगती है। नेक्स्ट कमेंट है सीनू शर्मा भाई, आई गोट सस्पेंडेड ओके बैन ड्यू टू अनेबल गेटिंग ऑनररी लेटर, लेना था तो भाई फॉर्म रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट, नाउ व्हाट आई डू, ये क्या करना, ये पूछ कौन करना, सस्पेंड होगी तो देखो हम समझ गया लेटर को लिया इसलिए ऑनरियम, तो अब की बार जब लेटर आवा है, अच्छा सिन्नू लड़का है क्या, अच्छा मैंने फोटो ही देखी यार, सिन्नू मत मैं ही लड़की है भाई। बात ऐसी है कि देखो अगर आपने लेटर नहीं लिया ना तो ईब दोबारा से काम का मैसेज आ सका है, वो काम का मैसेज 1 महीना में आ जा, 2 महीने में आ जा, 4 महीने में आ जा, मतलब कहने का मतलब है कि कभी भी आ जा, कोई टाइम निर्धारित नहीं होता, मैक्सिमम 1 से 2-3 मंथ में आ जाएगा, लगभग 1 या 2 में आ ही जाएगा लगभग। ठीक है, अपनी आईडी प्रॉपर चेक करते हैं ना, मैसेज आ भी सकता है या फिर डायरेक्ट आईडी पे भी काम का मैसेज आ सकता है। ठीक है, तो बहुत जल्दी अपने अब की बार ऑनररियम लेटर निकलवा लेना, सस्पेंड वाला कॉलम हट जाएगा, आप दोबारा से स्कीम में आ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट आया है ज्योति का, बोलती है मेरे पास पैसे आने का टैक्स मैसेज नहीं आता, एटीएम पे जाके चेक करना पड़ता है, मैसेज कैसे आएंगे मेरे पास? आपने आपका कौन सा अकाउंट है, उस अकाउंट में बैंक में जाकर के अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा दो, आपने शायद मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करवा रखा हो, आप छोटी सी बात दे दो, मोबाइल नंबर अपडेट करा दो, आपके पैसे आ जाएंगे। अच्छा सोहन जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाई जी मेरा एक दोस्त है, ओके आपका एक दोस्त, हमें पता ही नहीं था, मार्च 2019 में डिबार्ड हो गया था, मार्च 2019 में, वो अब
अब कब तक दोबारा अप्रूव हो सकता है भाई जी? अप्रूव नहीं मतलब हाँ, उसकी दोबारा अप्रूव हो जाएगी, हाँ ठीक है, वो वापस आ जाएगा, ठीक है। मार्च अभी चल रहा है, एवं मार्च को कंप्लीट हो जाने दो, या फिर हाँ अगले मंथ, ये 2 या 3 मंथ को उसकी आईडी चेक कर लेना, उसकी अप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, टेंशन मत लो। उसको 1 साल हो गया ना, एक साल बाद डिबार्ड हुआ बंदा अपने आप 1 साल में वापस आ जाता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब काम का मैसेज आया तो अपने आईडी चेक करते रहिए, ठीक है। अपील लगा दे ऑनलाइन, देखो भाई यार कमाल है यार, ये बंदा डिबार्ड हो रहा है तामी अपील लगवाओ यार। भाई तारती किस आदमी ने कह दी, किसने कह दी कि डिबार्ड होने के बाद अपील लग है? वो एक पीछे लड़का था, लड़की थी उसकी भी यार प्रॉब्लम थी कि अपील अपील। भाई जब बंदा क्यों है डिबार्ड होने के बाद अपील नहीं लगती, अपील लगती है अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, या वो किस केस में अपील लगती है, अपील डिबार्ड होने के बाद कैसे लग जाती है भाई? अपील लगा दे ऑनलाइन, अब डिबार्ड होने के 1 साल से पहले बंदा आ ही नहीं सकता, ये रूल है, ठीक है भाई, लगा दे भाई लागस तो मत नाटू को नहीं। मोहित सियाणी बोलते हैं, एक और तो सारे काम बंद हो गए और इस साइड सारे पैसे आने बंद हो गए, बताया कर। बात भी सच्ची यार, एक और तो काम आने बंद हो गए, पैसे भी आने बंद हो गए भाई बात न्यू है, गरीब बैठा रहो और रोटी खाई जाओ, बाण ना लिकड़ी ये बता दिया है, बाण कोरोना वायरस कटा है, अगर तम घर तक बाण नहीं जाओगे ना, वो तारा घर में नहीं आओगा, जब तक तम उसको बाहर से अंदर नहीं लेके आओगे ना, तब तक वो नहीं आएगा, तम जा करके लेके आओगे तो ही वो आएगा, अदरवाइज तुम लोग सेफ हो यार, टेंशन मत लो। फ्लर्टी बॉय फर्स्ट व्यूअर, हमेशा ये लड़के का कमेंट आता है और हमेशा सबसे पहला कमेंट इसी का आता है, फ्लर्टी बॉय का सबसे पहला कमेंट। पिंकी पुनिया बोलते हैं, भाई मुझे तो सस्पेंड कर दिया, तो बहन तो नहीं सा के करया तो ना करया तो के तो कराया तो जिदे सस्पेंड होगी, लेटर निकलो आवार, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करा तो सस्पेंड को नहीं होवार, या तो तेने लेटर को लिख उड़वाया, या फिर तेने ऑनलाइन रिपोर्टिंग कौन करी, या फिर तेने दोनों ही कौन करी तो इस केस में सस्पेंड हो जाए उस, और सस्पेंड होने के बाद 1 मंथ या 2 मंथ, अगले मंथ भी बहुत जल्दी बच्चों के पास देखने को मिलता है कि जिस, जैसे कि इस फरवरी मंथ में मान लो, इस मार्च में, मार्च में जो सस्पेंड हो गए तो अप्रैल में जा करके उनके पास दोबारा काम का मैसेज आ जाता है, दोबारा से काम का मैसेज ले लिया तो सस्पेंड वाला कॉलम हटके अप्लीकेशन अप्रूव लिखा आ जाएगा, बस कुछ नहीं करना, ठीक है, बस अब की बार मैसेज आए काम का उस पर फोकस करना है। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर नालायक बच्चा, अच्छा जी ऐसा भी, देखो भाई मैं नहीं बोल रहा इसका, मैं नाम पढ़ रहा हूँ, कोई बुरा मत मान जी हो, ठीक है, ये देखो ना इसका नाम है, सैलरी नहीं देनी चाहिए 3 मंथ ताकि बाहर जाकर खर्चा करने का कीड़ा दबा रहे आपकी, अगर कोई, देखो मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ें फैलाता हूँ, लेकिन अच्छी बात है अगर जो बाहर घर से ना निकलें तो, जैसे मोहित शाही ने यहाँ पर हंसने वाला इमोजी सेंड किया है, लेकिन विकास गुप्ता ने यहाँ पर बोला है कि तेरे बाप को भी सैलरी नहीं मिलनी चाहिए ताकि तेरे को पता चले ज़रूरतमंदों को घर जाकर कैसे चल देगा, लेकिन यहाँ पर विशाल गुप्ता ने कहा सही है भाई। तो भाई दुनिया में हर टाइप के आदमी होते हैं, सही भी होते हैं गलत भी होते हैं, लेकिन बात यह है कि आपने ये बात बिल्कुल सही बोली है, ताकि लोग घर पे जाकर बैठे रहें, क्योंकि बाहर जाकर के एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए, और पैसे की ज़रूरत सभी को पड़ती है भाई, दोनों चीज़ हैं, तो कोई दिक्कत को नहीं भाई, पैसे भी आने चाहिए और लोगों ने बाहर नहीं जाना चाहिए, सही बात है यार, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, लोग घर पर रहो, पैसे आपके खाते में भिजवा देंगे, ठीक है, टेंशन ना लो, पैसे आ जाएंगे बस हो गए कमेंट खाली, बस रहा इतने कमेंट तारे तुमने तो बहुत ना, अब की बार पिछली बार नहीं, अब की बार इतने कमेंट आए थे कुछ बच्चा के मैसेज समझ को नहीं आवे, तो हमें सबसे पहले एक बात ध्यान रखा करो, कोई भी कमेंट करे ना तो अपना एक बार कमेंट दोबारा रीड कर लिया करो कि तुमने के लिखा है, कुछ कमेंट इसे आओ ना मतलब अंग्रेजी को लिखनी आवे, मुझे को लिखना आवे, सैलरी को लिखनी आवे, अटेंडेंस को लिखनी आवे, सस्पेंड को लिखना हो, डिबार्ड को लिखना आवे, मतलब नॉर्मली हिंदी हाँ हूँ हे वहाँ जा सकता हूँ सकती हूँ मतलब ये को लिखना हो इंग्लिश में, तो भाई हिंदी में लिख दिया करो, अब पढ़ने में तो दिक्कत ना हो। बहुत सारे कमेंट इसे थे, एक बार मैंने सोची कि मैं उन कमेंट उठाकर वीडियो बनाऊँ, फिर मैं यार सारे आदमी बुरे मान जाएंगे, नेगेटिव चीज़ नहीं फैलानी, पॉजिटिव चीज़ फैलाओ दीदी फैलानी है, तो थोड़े कमेंट ढंग तक कराया करो, जिसे ना लिखना आता हो हिंदी में लिख दिया करो, लेकिन मतलब पढ़ दिया जोर नहीं आना चाहिए,
अगर मैं मान लो लगातार मैं पढ़ने ला रहा हूँ भाई, मुझे तो सस्पेंड कर दिया। अब यहाँ पर मैं डट जाता तो मतलब के चीज़ था, कई चीज कई कमेंट हैं इसे जो कि मैं पढ़ने में दिक्कत आऊँ हैं। एक आधा दिखा भी दूँगा तुमने, बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं। तो मैं देखो ये देखो यहाँ पर कमेंट है, ये देखो मुझे लिखा था लेकिन इसे मुझसे जो भी है कोई ना कोई गलती भी हो जाए मान हूँ, लेकिन एक बार आपका कमेंट डालने के बाद है ना, एक बार आपका पढ़ लिया करो के बाद आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। और टेंशन लेने की जरूरत को नहीं है, सारी कल संडे है, आराम तो घर पर बैठे रहो। रामायण चलवा दी तरह खतर नेशनल पर आज तो स्टार्ट होगी है, आज सुबह 9 बजे से एक पार्ट, शाम को 6 बजे एक पार्ट और, तो 87 पार्ट हैं सारी टोटल, तो 3 महीना में रामायण कंप्लीट हो जाएगी। 3 महीना का घोषणा 3 महीना घोषणा करें कि तमना गरीब बैठा सिलेंडर फलाना दिगड़ा ट्रम पटरम सारी चीज़ मिलेंगी। तो आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि शायद 3 महीना ऐसा कुछ हो सकता है आपको घर पर बिठाया जा सके। तो देखते हैं क्या होता है, अभी तो 21 दिन का हुआ है, एक और 21 दिन हो गए तो 42 दिन हो जाएंगे, मतलब सीधा सीधा बोलूँ तो 1.5 महीना 2 बार ऐसा और कर दिया तो 3 महीने बस चला गया काम। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पे 900 लाइक ठोक दीजिए। हम मिलते हैं कल सुबह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।